यूपी तक, यूपी का नंबर वन यूट्यूब चैनल। मेरा ये हमारे मोदी जी से कहना है कि एक साल से हम लोग काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द मान देने का कष्ट करें। जागरूक हुई महिलाएं और बाहर निकले हम लोग, वैसे बेरोजगार थे, अब हम लोगों को रोजगार मिला है तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई है इस बात से। सरगम से सुनाऊं, गा गा के सुनाऊं सबको, सम्मू की कहानियां, सम्मू की कहानियां, सम्मू जिसका नाम है बैठक उसका काम है, सम्मू जिसका नाम है बैठक उसका काम है, ऐसी प्यारी बहनों को मेरा बारंबार प्रणाम है। समूह की कहानियां हैं ये, समूह की उत्साह की कहानियां, समूह की सफलता की कहानियां। स्वयं सहायता समूह देश में कितना बड़ा बदलाव ला रहा है वो इन सखियों को देखकर, समूह सखियों को देख करके शायद उसका अंदाजा नहीं लग रहा होगा, लेकिन अपने गांव में, अपने क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला रही हैं ये। लेकिन इनसे बात भी जरूर करेंगे। ये बताइए कि आप लोग बड़ा बदलाव ला रही हैं, क्या काम करती हैं, कौन से जिले से हैं और कितना आपको लाभ हुआ है इस काम से? हमें कहाँ लाभ, अभी कुछ नहीं हुआ, हम एक साल से लगे हुए हैं, अभी कुछ मानदेय नहीं है, समूह सखी का कार्य कर रहे हैं, एक साल हुआ हमें अभी। उत्साह से गीत गा रही थी लेकिन इनको अभी लाभ नहीं हुआ कोई। आप बताइए, आप बैंकर बीसी सखी की ट्रेनिंग करके आए हैं, हम लोगों को बताया खाता खुलवाती हैं आप महिलाओं का? खाता खुलवाते हैं, हम लोगों को 6 महीने का मानदेय आएगा केवल 24,000, उसके बाद हम लोगों को नहीं दिया जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को मतलब हर महीने मानदेय मिलता रहे बराबर, जब तक मतलब हम लोग करते रहें कार्य तो बराबर मिलते। हम लोग खाता भी खोलेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, सभी रात में भी जग के हम लोग उनका पैसा निकालेंगे डिवाइस से, तो हम लोगों को पैसा तो मिलेगा नहीं, तो फिर हम आगे काम कैसे करेंगे? बिल्कुल, एक बार पैसा आता है फिर नहीं आया। जैसे कि आप क्या काम करती हैं? समूह सखी का मेरा नाम पूनम है, मैं ग्राम गढ़िया कचपुरा पोस्ट मिरगावा जनपद कन्नौज की रहने वाली हूँ। हमारे समूह का नाम अंबेडकर महिला स्वयं सहायता समूह है। मैं समूह सखी के पद पर कार्य करती हूँ और कम लगभग एक साल हो गया हमें इस समूह में जुड़े हुए। लाभ कुछ नहीं हुआ अभी, लाभ कोई लेकिन नहीं। लेकिन आपने मदद तो बहुत महिलाओं की, मदद हमने बहुत सारे समूह जोड़े और बहुत खाते खुलवाए और बहुत मतलब महिलाओं को जोड़ा। आज प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहती हैं? प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जो मतलब वेतन मिलना चाहिए वो हमें हर महीने मिले। आप बताइए, आप क्या काम करती है? नाम बताइए। मेरा नाम बेबी शेख है, ब्लॉक जलालाबाद, जिला कन्नौज से हूँ मैं, और मैं इस समय FSCRP के रूप में काम करती हूँ। और मेरा ये हमारे मोदी जी से कहना है कि एक साल से हम लोग काम कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिला है। तो हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जल्द से जल्द मान देने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज बहुत सारी बातें हो रही हैं, प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उन तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए और आप ये कहें? हम लोगों से पूछ रहे तो जरूर पहुंचेगी, अगर पहुंच जाएगी तो पूरी होगी, अगर जब पूरी हो गई तो दोबारा से फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये भी बात हो रही है, आप ये बताइए कि कितना बदलाव आप लोगों के काम से आया है आपके आसपास, और उसके लिए आपका काम कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का आप लोगों ने खाता खुलवाया होगा, समूह से जोड़ा होगा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत मतलब सभी लोग जागरूक हुई महिलाएं और बाहर निकले हम लोग, वैसे बेरोजगार थे, अब हम लोगों को रोजगार मिला है तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई है इस बात से। बिल्कुल खुशी हुई है इस बात से, लेकिन मानदेय हो नियमित ये चाहती हैं। आप क्या काम करती हैं, नाम बताइएगा? जी, हमारा नाम सोनम है और जिला कन्नौज है और ब्लॉक मेरा जलालाबाद। काम क्या करती हैं? शौचालय में। अच्छा अच्छा, तो उसमें हम काम करते हैं और काम करते हुए हमें 5.5 महीने हो गए, हमें 18,000 रुपया मिला है 3 महीने का, और हमें टाइम से मतलब कोई सामान नहीं मिलता है,
महिलाएं पैसे निकालने में तो दिक्कत करती हैं, मतलब समूह अच्छा चलता है, पैसे नहीं टाइम से निकालने के देती हैं। हमें सामान अभी जरूरत है और सामान मिल रहा है एक महीने के बाद, पैसे जब निकलेंगे तब सामान मिलेगा। तो हमारा प्रधानमंत्री से ये कहना है कि जो काम ये टैंक वाला जो काम करे उसके खाते में ये पैसा आना चाहिए, टाइम से वो पैसा निकाल के वो सफाई करे अपना काम शुरू। मतलब शौचालय की जो आप मेंटेनेंस के लिए काम करती हैं, हाँ, जो सफाई के लिए, हाँ, उसमें आपको जो सामान मिलना चाहिए, हाँ, वो समय से आप नहीं खरीद पाती है क्योंकि, हाँ, पैसे नहीं मिलते, हाँ, सामान, हाँ, के। हमें तो प्रधानमंत्री से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे मतलब जो काम करता है टैंक वाला उसके खाते में पैसा आना चाहिए, वो टाइम से किसके खाते में आता है? समूह के खाते में आता है। अच्छा, आप लोग नहीं निकाल पाती? हाँ, निकालने में दिक्कत होती है और सामान लेने में भी दिक्कत होती है।